हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 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 वेलकम। सो आज का बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है, बहुत ज़्यादा मज़ा आपको इस सेशन में आएगा। सबसे पहले तो बता दूं कि मेरी बहुत सारे कोर्सेज अन अकेडमी पढ़ाते हैं, बहुत सारी क्लासेज मैं अन अकेडमी पढ़ाता हूँ। मैं अन अकेडमी पे प्लस कैटेगरी में एक वेरीफाइड टॉप एजुकेटर हूँ, बहुत सारे मेरे कोर्सेज आपको देखने को मिलते हैं, तो आप मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आप देखिए अन अकेडमी में सब्सक्रिप्शन परचेज करना चाहते हैं तो सिंपल सा मेरे कोड है Deepak51, ठीक है, Deepak Deepak51, ठीक है। इस कोड को यूज करते हुए आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हैं और मेरी सारी प्लस क्लासेस को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे फर्स्ट सेशन को। तो चलिए सबसे पहले बता दूँ, बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है इस सेशन में, तो जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, ठीक है, और जल्दी से कनेक्ट हो जाइए मेरे साथ। वेरी गुड। चलिए हमारा देखिए, पराग जवर इनमें से किसका लक्षण है, पराग जवर इनमें से किसका लक्षण है, ये आपको बताना है। आपका मेरा पहला आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही है, इसका राइट आंसर है आपका, बिल्कुल सही है, वो होगा एलर्जी। देखिए एलर्जी, एलर्जी से क्या होता है कि ये पराग जवर से आपको एलर्जी होती है, उससे आपको बहुत सारी समस्याएं होती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है, एडवर्ड जेनर इनमें से किस बीमारी से जुड़े हैं, एडवर्ड जेनर इनमें से किस बीमारी से जुड़े हैं, वो आपको बताना है। एडवर्ड जेनर इनमें से किस बीमारी से जुड़े हैं, वेरी गुड। तो ये जुड़े हैं आपके, बिल्कुल, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक से जुड़े हैं। देखो एडवर्ड जो जेनर हैं वो एक चिकित्सक हैं और चेचक के टीके का इन्होंने आविष्कार किया था 1775 में। इन्होंने मसूरा यानी काउ पॉक्स की दो बीमारियों के बारे में सम्मिलित थी जिसमें केवल एक चेचक से रक्षा करती थी। इन्होंने यह निश्चित किया कि गोमसूरी और चेचक और घोड़े के पैर का जो ग्राण है बीमारियां अनुगुणी है, और इन्होंने फिर चेचक के टीके का निर्माण किया। इनमें से वह वैज्ञानिक कौन से हैं जिन्होंने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी, इनमें से पहला वैज्ञानिक कौन है जिसने रुधिर परिसंचरण तंत्र की बात की, तो वो है बिल्कुल विलियम हार्वे। कौन था, विलियम हार्वे ने की। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, इनमें से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है, ये आपको बताना है, क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही बढ़िया शानदार आंसर है, कृष्ण कुमार, रेखा, जितने भी लोग हैं, तो बिल्कुल ये है इंसुलिन। देखो पेप्सिन, रेनिन, एमिलैप्सिन पाचक एंजाइम है, जबकि इंसुलिन एक हार्मोन है, क्या है, एक हार्मोन है, और इंसुलिन का जो उत्पादन है वो अग्नाशय में जो लैंगरहैंस की द्वीप कोशिकाएं हैं उनमें बीटा सेल्स होती हैं उनके द्वारा होता है। और देखो इंसुलिन हमारे ब्लड में शर्करा का नियमन करता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है, जल्दी से बता दीजिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। वेरी गुड, तो ये है आपका राइट आंसर, सोयाबीन। क्या होगा, सोयाबीन इसका राइट आंसर है। चलिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया है। अगला प्रश्न आपके लिए क्या होगा, अगला प्रश्न है, निमोनिया का नया रूप सार्स इनमें से किस देश से शुरू हुआ था, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार है, मज़ा आपको आने वाला है इसमें, ज़बरदस्त, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। तो ये है आपका चाइना, चाइना है ये। और देखिए ध्यान रखना, निमोनिया कैसा रोग है, निमोनिया एक सार्स रूप का देश है, और ये निमोनिया फेफड़ों से, लंग्स से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, हमारे लंग्स से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है, मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है, वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए क्या होती है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा है,
तो ये होती हैं 33। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? नवजात शिशु को बीसीजी का टीका कब लगाया जाना चाहिए? जो जल्दी से बता देंगे क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है 48 आवर्स, 48 घंटे के बीच में लगाया जाना चाहिए। और ये तुरंत बाद लगाया जाता है वैसे तो, लेकिन अगर जितना ज़्यादा लेट होता जाएगा इसका प्रभाव उतना ही कम होता जाएगा, इसका कोई फायदा नहीं है। घोड़े और गधे से पैदा जानवर की संकर जाति को क्या कहा जाता है? घोड़े और गधे से पैदा संकर जाति को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही है, तो ये है खच्चर। क्या कहा जाता है? खच्चर। अगला क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया है। ये है आपका स्टार फिश। स्नायु तंत्र तो होता है लेकिन मस्तिष्क नहीं होता। अगला प्रश्न आपका, रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है? रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन सा है? वेरी गुड, क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड। तो ये है विटामिन के, विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? इनमें से कौन सा घटक मूत्र का असामान्य घटक है? यह आपको बताना है, जल्दी से बता दीजिए कौन सा। तो ये है आपका कीटोन निकाय, कीटोन निकाय, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया, इनमें से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? इनमें से कौन सी रेखा, कौन सी कोशिका प्रतिरक्षा पैदा करती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल सही है, वेरी गुड। तो ये है आपका लशिमा यानी लिम्फोसाइट। लसिका एक रंगहीन द्रव्य है और ये लाल रक्त कणिका और प्लेटलेट्स नहीं होती हैं। लसिका में मौजूद लिम्फोसाइट्स रोगाणु जैसे जीवाणु का भक्षण कर उन्हें नष्ट कर संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये है के विटामिन। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रक्त कणिकाएं, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। आकार बढ़ जाता है, क्या हो जाता है? आकार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न, डार्विन फ्रिचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? डार्विन फ्रिचिज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? वेरी गुड, तो ये है बिल्कुल पक्षियों के लिए। किसके लिए किया जाता है? पक्षियों के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? वो है तंत्रिका। अगला क्वेश्चन क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये है वाटर। अगला क्वेश्चन, इंसुलिन में इनमें से कौन सी धातु होती है? इंसुलिन में इनमें से कौन सी धातु होती है? वेरी गुड, कौन सी धातु होती है? जिंक, जस्ता। अगला प्रश्न है आपका, गोलकर्मी एक मानव परजीवी है,
बताइए जो गोलकर्मी एक मानव परजीवी है, जो वृद्धांत में पाया जाता है, इनमें से विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो वो है मिल्क, दूध में। EEG का प्रयोग किस कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? जल्दी से बता दीजिए, किस कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है? वेरी गुड। मस्तिष्क यानी हमारे ब्रेन के लिए। अगला क्वेश्चन, पलमिया का एक हिन्ने जनता रोग है, ये किस कमी के कारण होता है? ये किसकी कमी के कारण होता है? वेरी गुड, जल्दी बता दीजिए। तो ये है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए रेटिनोल होता है। पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है? पाचन प्रक्रम में किससे सहायता मिलती है, ये आपको बताना है जल्दी से। बहुत ही बढ़िया है, ये है एंजाइम। एंजाइम मुख्य रूप से प्रोटीन होते हैं और एंजाइम एक कार्बनिक पदार्थ है जो एक रासायनिक अभिक्रिया को 10 का 10 गुना बढ़ा सकता है। पाचन प्रक्रम में एंजाइम से सहायता मिलती है। एंजाइम से जल, वसा और विभिन्न उपापचयी अवशिष्टों को उत्सर्जन किस अंग द्वारा किया जाता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही है। तो ये है वृक्क यानी किडनी। वृक्क यानी किडनी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। धमनी को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? धमनी को आंखों के रूप में प्रयोग करने वाला प्राणी कौन सा है? वेरी गुड, कौन सा है? तो वो है आपका चमगादड़। कौन सा है? चमगादड़ इसका सही आंसर है। वेरी गुड। अगला प्रश्न आपके लिए बनता है, अदरक जड़ नहीं तना है क्यों? अदरक जड़ नहीं तना है क्यों? जल्दी से बता दीजिए, अदरक जड़ नहीं तना है क्यों? वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए इसका क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से बता दीजिए। तो ये होगा, इनमें गांठ और पोरियां पाई जाती हैं, इनमें गांठ और पोरियां पाई जाती हैं। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है किस चीज का? इनमें किस चीज का अभाव पाया जाता है, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल सही है। तो ये है आयरन और विटामिन सी। आयरन और विटामिन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, बिल्कुल, एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? एलिसा परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? वेरी गुड, तो वो है एड्स प्रतिरोधी। किसके निदान के लिए किया जाता है? एड्स प्रतिरोधी। एलिसा, इनमें से देह निर्माता किसे कहा जाता है? इनमें से देह निर्माता किसे कहा जाता है? वेरी गुड, जल्दी से बता दीजिए क्या हुआ। बिल्कुल सही है, प्रोटीन, प्रोटीन, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कैंसर के निदान में इनमें से कौन सा परीक्षण सहायता करता है?
कैंसर के निदान में इनमें से कौन सा परीक्षण सहायता करता है? बायोप्सी, 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 वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर के किस पदार्थ में हानि होती है? निर्जलीकरण के दौरान आमतौर पर शरीर से किस पदार्थ की हानि होती है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो ये है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। अगला क्वेश्चन है, डेंगू ज्वर का कारण क्या है? डेंगू ज्वर का कारण क्या है? बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, जल्दी से बता दीजिए क्या होगा ये आंसर। वो है एक वायरस जनित बीमारी। कैसी है? एक वायरस जनित बीमारी है, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उत्तम कोलेस्ट्रॉल है? इनमें से कौन सा उत्तम कोलेस्ट्रॉल है? जल्दी से बता दीजिए क्या होगा इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सा उत्तम कोलेस्ट्रॉल है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। क्या होगा इसका राइट आंसर? उत्तम कोलेस्ट्रॉल है इनमें से कौन सा, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके लिए, HDL, HDL, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, थैलेसमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, ये किसका करती है? थैलेसमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही है। क्या होगा इसका राइट आंसर? बिल्कुल, बहुत 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 बढ़िया। तो ये है ब्लड, रुधिर से संबंधित। इस श्रृंखला को चुनिए, इस श्रृंखला को चुनिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? वेरी गुड, इसका राइट आंसर क्या होगा? रैबिट, प्लांट और टाइगर। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा द्रव्य परत को जल के लिए अभेद बनाता है? इनमें से कौन सा द्रव्य जल को अभेद बनाता है? वेरी गुड, तो वो है काइटीन, वो है काइटीन। अगला क्वेश्चन है, सहसंबंध रक्तचाप से है, तो वो है अधिवृक्क। क्या है? अधिवृक्क, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, इन उत्तक संवर्धन का सही वर्णन इनमें से कौन सा है? उत्तक संवर्धन का सही वर्णन इनमें से कौन सा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड, क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए क्या होगा? क्षेत्र फसलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? वो है एग्रोनॉमी। क्या कहा जाता है? एग्रोनॉमी कहा जाता है, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, इनमें से जैव उर्वरक को चुनिए, इनमें से जैव उर्वरक को चुनिए, वेरी गुड, इनमें से जैव उर्वरक को चुनिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा है, वो है सेवाल और नीले हरित सेवाल, सेवाल और ब्लू ग्रीन एल्गी। ऊंट मरुस्थल का जानवर है, कई दिनों तक बिना पानी रह सकता है, क्यों? क्योंकि इन सभी की खासियत क्या, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।